क्वेश्चन वन एक्सरसाइज 1.5 का पहला पार्ट है, कहता है ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ए का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट की अलामत होती है, इस चीज़ का हम ले रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट लेना नहायत ही सिंपल सा मेथड है। इस माइनस वन को इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस, और उसके बाद इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस वन को मल्टीप्लाई किया जीरो से, उसके बाद माइनस आएगा, फिर देन ये जीरो को और टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह। तो माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, उसके बाद माइनस, टू को वन से किया तो टू आ गया। तो इन दोनों को जो आंसर आया वो आया है माइनस टू। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारा आंसर आ गया है माइनस टू। छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिटर्मिनेंट आपको पेपर में। इसी तरह को एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। इसी का एक डी पार्ट है, वो है 3214। इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो डी का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 3124। तो आपको जैसे बताया है वैसे ही करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लिखना है, इस माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को, माइनस तो नहीं, माइनस तो वैसे आएगा मेथड में। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो आंसर हमारा जो आया वो आया है 10। इसी तरह 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है, कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। बेटा ये भी सिंपल मेथड है, यही काम करना है, कोई न्यू काम नहीं करना। फर्ज करो इसी क्वेश्चन का पूछ लेता है ये सिंगुलर है या नहीं है, तो आंसर आया 10, तो हम कहेंगे ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। क्योंकि सिंगुलर वो होता है जिसका आंसर सिफर आए, जिसका आंसर जीरो हो वो सिंगुलर होता है, जो सिफर के अलावा कोई भी आंसर आ जाए वो नॉन सिंगुलर होता है। तो वेरी सिंपल है, यही क्वेश्चन का अगर एग्जांपल हम देते हैं तो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। तो इसी तरह एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं सिंगुलर कैसा होता है। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर होगा, इसके देख लेते हैं कैसे होगा। तो आप इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेने का मेथड क्या, 3 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस लिखेंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 4 3 12 और 6 2 12, 12 में से 12 माइनस किया तो सिफर आ गया, जीरो आंसर आ गया। तो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वेरी सिंपल मेथड है, आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो आज का लेक्चर जस्ट डिटर्मिनेंट के ऊपर था, तो इसको आपने, अल्लाह हाफिज़।